हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट क्लासेस के अंदर हमने पूरी की पूरी थ्योरी खत्म कर दी थी। 8 से 9 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, साइन लॉ, कोसाइन लॉ, प्रोजेक्शन फार्मूला, लेंथ ऑफ मीडियन, हाफ एंगल फार्मूला, नेपियर एनालॉजी, सर्कम रेडियस, इन रेडियस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वी डिस्कस ऑल द थिंग्स टुगेदर। उसके साथ साथ भी हमने क्वेश्चंस कुछ किए थे, लेकिन मैं एक प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी मस्त टॉपिक है, काफ़ी थ्योरी इसके अंदर होती है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं, थ्योरम्स होती हैं। और इसके ऊपर इस बार तो भाई बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। तो बच्चे इस चैप्टर से भागते हैं, बिल्कुल नहीं भागना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ईजिली समझ आ जाता है अगर आपने मेरे बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को, एक बार ट्राई मारना है, अपने एफर्ट मारने हैं, उसके बाद मैं यहाँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ, उसको करेंगे। तो भैया ठीक ठाक ही है भाई, ठीक है ना, लेकिन काम चल रहा है। थोड़ा सा पेन है ना लेफ्ट मेरे चेस्ट में, ठीक है ना, वो नहीं जा रहा, कोई बात नहीं। दिल टूटा है तो दर्द तो होगा ही, क्यों। चलिए टाइम दीजिए क्वेश्चन को, मैं चाहता हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग करें, आराम से 1-2 मिनट लगाइए, मुझे आंसर चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिसके एंगल्स का रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी रेशियो सी, 3:5:4। तो ए हो गया 3x, बी हो गया 5x और सी हो गया 4x। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा 12x, तो किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। तो x कितना आ गया 15 डिग्री। 15 डिग्री आ गया तो मेरे चचा ए आ गया 15 × 3 = 45, बी आ गया 15 × 5 = 75 और सी आ गया 15 × 4 = 60। अब आपको ए प्लस बी प्लस सी √2 निकालना है। तो बच्चे ए प्लस आपको साइन लो मैं लगाना चाहता हूँ, ए अपॉन में साइन है, बी अपॉन में साइन बी, साइन 75 डिग्री होता है, √3 + 1 अपॉन में 2√2 और सी अपॉन में साइन सी √3/2। आपको निकालना क्या है ए प्लस बी प्लस सी √2। ए को ले लेना 1/√2, बी को ले लेना √3 + 1 अपॉन में 2√2 और सी को ले लेना √3/2, √3/2 × √2। तो 1/√2, √3 + 1/2√2 एंड दिस इज √3/√2। यहाँ से 2√2 आ गया नीचे, ये आ गया 2√3 + 1 + 2√3, कितना आ गया 3√3 + 3 अपॉन में 2√2, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो 3 कॉमन ले लें अगर, तो √3 + 1 अपॉन में 2√2 ये आ गया। और √3 + 1 अपॉन में 2√2 कितना है, वो तो b है, तो कितना हो गया 3b। 3b ऑप्शन है क्या चाचा? हाँ जी 3b ऑप्शन है, सी ऑप्शन। हाँ जी, किस किस को क्लियर है क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छी बात थी। एंगल्स दे रखे हैं, साइड्स के साथ कनेक्शन बिठा रहा है,
तो एंगल्स दे रखे हैं और साइड के साथ कनेक्शन बिठा रहा हो, तो ये पहली क्लास है। और पहली क्लास में ही मैंने बता दिया था कि एंगल्स दे रखे हैं और साइड्स के बारे में कुछ बात करनी हो तो आप साइन लॉ लगाइए, साइड से रखी हो और एंगल मिलाना हो तब भी साइन लॉ लगाइए, है ना। भारत सरकार बिल्कुल ठीक कह रहे मेरे दोस्त, 3B ही आएगा, बिल्कुल सही पकड़े हैं। बोलिए, क्लियर है? साइन लॉ, बहुत बढ़िया, शाबाश। कितने बच्चों को क्लियरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है ना? कुछ नहीं है, आपको साइन 75 याद होना चाहिए था। अब इसको के इक्वल रखने की जरूरत नहीं, इसी को ए ले लिया करो, इसी को स्मॉल बी, इसी को स्मॉल सी, यहाँ डाल दिया, सॉल्व किया तो ये √3B चमक गया। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ट्रायंगल दे रखा है ABC और उसके अंदर 2 cos B = A/C है, ट्रायंगल बताइए कैसा होगा, ट्रायंगल बताइए कैसा होगा, कीजिए आराम से कीजिए। इस बात पे दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो 3 चैप्टर का जो मैंने टास्क दे रखा है, इनइक्वालिटी, लॉग और क्वालिटी का, वो बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे हैं और हमारे इसी वीक में 3 और 5, 8 चैप्टर तैयार हो जाएंगे, 5 ट्रिग्नोमेट्री के और 3 वो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कर रहे हैं, एक टेस्ट लिया जा सकता है, एक यूट्यूब पर सेशन रखा जा सकता है जैसे मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना। ट्रायंगल बताना कैसा होगा, 2 cos B = A/C दे रखा है। चाचा जी 2 cos B = A/C दे रखा है, 2 cos B कितना होता है, A² + C² - B² / 2AC। जितने ये बच्चे यहाँ रिकॉर्डिंग देखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को स्टॉप करना, स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, उसके बाद ही मुझसे डिस्कस करना मैं कैसे करवा रहा हूँ डिस्कस करना। तो A² + C² - B² और यहाँ का जो A है ये इससे मल्टीप्लाई होकर A² बना देगा, यूं ही कट गया। तो C² - B² = 0, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, B के इक्वल। तो दो साइड्स अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कैसा होता है, आइसोसेलेस। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, जल्दी बताएंगे, फीलिंग हो रही है दिमाग में कि नहीं, फीलिंग के साथ फीलिंग भी होनी चाहिए ना, पर चले फीलिंग ही फीलिंग है, अकेली फीलिंग है ही नहीं, ठीक है ना, उसमें फिर मज़ा नहीं है। द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, आपको 3 साइड्स से रखी हैं, आपको स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, जल्दी से बता देंगे बेटा, मैंने दिया आपको 1 मिनट, जाओ। छोटी साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट होता है, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट होता है, ठीक है ना। आपको बस स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है, तो स्मॉल साइड सोचिए कौन सी है, A7 है, 4√3, ठीक है ना, 4√3, √3 होता है 1.732, ठीक है ना, 4 × 8, 4 × 3 = 12, 4 × 7 = 28, 29 × 6.9, और √13 होता है बच्चे 3 point something, यही सबसे छोटा है, स्मॉल सी सबसे छोटा है, तो आप cos सी लगा लीजिए, A² + B² 4 × 16 = 48 -13 upon 2 × 7 × 4√3 49 97 94 84, ठीक है, 2 × 7 = 4√3, 7 × 7 = 4 तो हो गया √3/2। cos c की वैल्यू अगर √3/2 है तो c कितना हो गया, 30 डिग्री, कितना हो गया मेरे भैया, 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, ये ऑप्शन आ रहा है, स्मॉलेस्ट एंगल 30 डिग्री। स्मॉलेस्ट एंगल हमेशा स्मॉलेस्ट साइड के सामने वाला और ग्रेटेस्ट एंगल ग्रेटेस्ट साइड के सामने वाला, है ना, बड़ा एंगल बड़ी साइड के सामने होता है और छोटा एंगल छोटी साइड के सामने होता है। बोलो किस किस को क्लियर है, मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है, चमन प्रकाश है ना, समझ रहे हो ना, आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक बार रिवीजन कर हो जाते हैं मिक्स क्वेश्चन करने से। एक ट्रायंगल दे रखा है, उसमें ऐसा ऐसा कुछ कुछ दे रखा है, ये मैंने असाइनमेंट में भी डाल रखा है अपना क्वेश्चन, किसी बच्चे का डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। दीजिए टाइम, टाइम को टाइम देना जरूरी है ना, तभी टाइम आपके लिए कुछ अच्छा करता है।
करें, डिस्कस करें। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको बी प्लस सी दे रखा है 11। आपको ना इक्वल टू के लेने की जरूरत नहीं होती, ये सोचिए बी प्लस सी ही 11 दे रखा है, सी प्लस ए आपको 12 दे रखा है और ए प्लस बी इक्वल टू 13 दे रखा है। तो यहाँ से ना आप इनको ऐड करोगे तो ये सब दो दो टाइम्स हो जाएंगे, 2 times ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा 2326। तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 13। तो ए प्लस बी प्लस सी 13 आ गया, तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा ए 2, क्योंकि बी प्लस सी 11 है, बी प्लस सी यहाँ डालेंगे, और सी प्लस ए आ जाएगा 1, सी प्लस ए डालेंगे तो बी कितना आ जाएगा 1, और ए प्लस बी इसमें से मिस्टेक होगी मुझसे लगता है 36 होगा, 18 आएगा ये, ठीक है ना, ये 18 होगा यार, तो 18 होगा तो भाई बी प्लस सी 11 है तो ये 7 हो जाएगा ना, ये तो ए हो जाएगा 7 और बी हो जाएगा 6 और सी हो जाएगा भाई 5, और आपको निकालना है कॉस सी, तो कॉस सी कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 49 प्लस 36 माइनस 25, 2 इंटू 7 इंटू 6, 49 और 6 55, 85, 85 60, 2 इंटू 7 इंटू 6 6 इंटू 10 2 5, 5/7 है क्या ऑप्शन, हाँ ठीक है 5/7 है। ऐसे क्वेश्चनों में अगर करो ये बी प्लस सी की वैल्यू होगी 11, सी प्लस ए की होगी 12, ए प्लस बी की होगी 13। अगर आप इसको के के को लोगे तो बी प्लस सी हो जाएगा 11 के, सी प्लस ए 12 के, ए प्लस बी 13 के। बात वही पढ़नी है, बाद में के कट ही जाना है, के को कट जाएगा, के का कट जाएगा, तो के का कट ही जाएगा, के मतलब कट जाएगा, तो भाई क्यों करें हम के क्यों पढ़ें, हम सीधा बी प्लस सी को 11 ही समझ लेते हैं ना, सी प्लस ए को 12 समझ लेते हैं, ए प्लस बी को 13 समझ लेते हैं, उसको ऐड करके कुछ कुछ आ जाएगा, ए बी सी आ गया तो कॉस सी आ ही जाएगा, कॉस सी क्या, कॉस ए कॉस भी निकालने के लिए क्या, अच्छा अच्छा जी तब भी आ जाएगा, बोलो हाँ यार। है ना सर, आपकी लिए क्लास देखे पता नहीं क्यों लगता है जीवन सफल हो गया, मजा आ जाता है सर। तुम ये तुम जानबूझ के बोलते हो ना, ऐसी सीधी बातें जानबूझ के लिखते हो ना, तुम्हें पता सर एक्टिंग करेंगे हैं, करें इस क्वेश्चन को दबा के लाइक ठोको, तुम कहोगे लाइक का तो बटन नहीं है सर। भाई जबरदस्त मैच चल रहा है मुंबई इंडियंस और चेन्नई, उसका आरसीबी का सर थोड़ा डाउट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पूछ लीजिएगा अनुराग जी, काहे टेंशन ले रहे हैं, रख देंगे क्लास आपके लिए। अनुराग जी कैसी कैसी बातें करते हैं आप। यहाँ बच्चे ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस बी, तो 180 माइनस बी और एक ही माइनस बी, तो 2b हो गया बाय 2, कितना आ गया 90 माइनस बी, साइन 90 माइनस बी कितना होता है कॉस बी, और कॉस बी क्या होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, यो से यो चल लिया भाई पतली गली, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बी, प्रीत हाय प्रीत हाउ आर यू, हेलो हेलो, किस किस को क्लियर है बच्चे ये बता दो पहले, प्रीत आवाज नहीं आ रही क्या बेटा, अनुराग हेलो,
बढ़िया भाई, वैसा ही हूँ जैसा था पहले, सेम एग्जैक्टली। बढ़िया सर। सर फंडामेंटल में वो कौन सा चैप्टर था आपको प्रॉपर्टी इक्वेशन तो के कह रहे हैं? प्रॉपर्टी इक्वेशन तो खत्म होने वाला है सर तो भाई और कुछ नहीं है, बाकी सब यहाँ पढ़ाऊंगा मैं, वो 3 चैप्टर ही बोले हैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ करने के लिए। कहता है तो सारे डाल देता हूँ, 200 लेक्चर हैं डाल देता हूँ, देख सकता है देखना चाहे तो। लेकिन मैं लाइव भी पढ़ाना चाहता हूँ ना, लाइव से जो अभी लेटेस्ट, सुन पता है क्या है, सुन लेटेस्ट जो पढ़ा रहा हूँ ना उसको देखाओ, उसकी रिकॉर्डिंग 2-3 घंटे में आ जाती है आराम आराम से। उन 3 चैप्टर वो कर लिया ना आपने, क्वालिटी खत्म होने वाला सर एक दो लेक्चर देख इनइक्वालिटी लॉग देखा है कि नहीं? लिया सर कर लिए सब बस क्वेश्चन लगाने वाले रह गए सर उनके लिए कितने में देखा है, 1x में देखा है, 2x में देखा है? 1x में सर। फिर ठीक है, नहीं तो तू बहुत गंदी वाली डांट डांट खाता तू मुझसे, मजाक नहीं कर रहा मैं। नहीं नहीं सर 1x में देखा वो नोट्स भेज दूंगा। ना ना मैं नोट्स देख के कैसे बताऊंगा तूने 1x में देखा लेकिन मुझे लग रहा है तूने सही में 1x में देखा और तूने अच्छा सीखा होगा, मुझे उम्मीद है। तेरे डाउट मैं बता दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 15-20 ही तो होंगे डाउट, और कितने ही होंगे तेरे डाउट। बस सर उसमें थोड़े नेचर ऑफ रूट्स में थोड़े डाउट है सर, कॉन्जुगेट नॉन कॉन्जुगेट नो में। कोई इशू ना है, मैं करा दूंगा, टेंशन न लेने का, कब करोगे सर? वेरी सून, कमिंग सून। और सर आपने जीएटी का नहीं बताया कुछ। नहीं ला रहा भाई जीएटी का कोर्स, कहीं और पढ़ लो, कहीं और से पढ़ लो भाई, यहीं से, यहाँ कुछ नहीं आएगा, मैथ्स आएगी सिर्फ, मैथ्स चलेगी बस। ठीक है ओके, डिफेंस वाला से पढ़ सकते हो, अच्छा है उनका जीएटी, मैं सजेस्ट करता हूँ। ठीक है हाँ ठीक है सर। हाँ आई विल आई सजेस्ट। एक ट्रायंगल है साइन ए बाई साइन सी दे रखा है, साइन ए माइनस बी साइन बी माइनस सी की डिनम, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जो है वो बताना है किसमें होगा, एपी में जीपी में एचपी में, तो थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा। अब ये साइन लॉ लगाएं तो ये हो जाएगा ए बाय साइन ए कितना होता है यार, के को ले लूँ तो साइन हो जाएगा ए बाय के, इसको लिख ले ए बाय के, ये हो जाएगा सी बाय के, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन बी कॉस सी कॉस बी साइन सी, साइन ए इज ए बाय के कॉस बी कॉस ए बी बाय के कॉस सी कॉस बी सी बाय के, ये के से के कट गया, के से के कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर क्या ही कर सकते हैं, ए बी कॉस सी माइनस ए सी कॉस बी इक्वल टू ए सी कॉस बी बी सी कॉस ए, है ना? तो यहाँ पे बी सी कॉस ए को इधर ले आ, ए बी कॉस सी बी सी कॉस ए, और ये हो गया ए सी कॉस बी टू ए सी कॉस बी, अब यहाँ पे कॉस सी की वैल्यू डाल कितनी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में 2ab, बी सी की वैल्यू डाल बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन में 2bc, कॉस बी की वैल्यू डाल ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में 2ac, ये 2ac से 2ac, अच्छा बी सी से बी सी ए बी से ए बी, तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 2a² प्लस 2c² माइनस 2b², ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर चला गया, सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर निकल लिया पतली गली, तो ये आ गया 2b², ये 2b² इधर जाके कितना हो गया 4b², क्योंकि एक माइनस 2b² यहाँ भी है ना, और ये 2a² प्लस 2c² हो गया, 2 कॉमन ले लो तो 2b² इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, तो 2b² इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये ए पी में हो गए ना ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर, क्योंकि
किसमें हो गए एपी में, है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किसमें हो गए एपी में, किसमें हो गए एपी में, राइट। बोलो बोलो अच्छे से समझ लो, कोई जल्दी नहीं है अपन लोगों को, कोई भी जल्दी नहीं है किसी भी बात की। ठीक है हो गया, नाइन सिक्स फोर व्हाट्सएप पर ऐसे पेपर में एक बार पूछना था। बातें कर रहे हो कि समझ भी रहे हो? बातें कर रहे हो, समझ भी रहे हो? समझ आया कि नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था यार, मजा आया करके, हैं कुछ अच्छा सा लगा करके यार, क्या बोलते हो? क्लियर है ना? अगर क्लियर नहीं है तो एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, एक एक चीज मैंने खोल के रख दिया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हम, क्या बात है यार, बड़ी जल्दी आ गए 7 पे, 12 ही क्वेश्चन है मात्र। हाँ अच्छे से करो जरा, एक मिनट लगा लो यार, चलो दिया एक मिनट। यहाँ पे वो कह रहा है कि किसके इक्वल होगा, तो एलसीएम लेना तो बनता है, एलसीएम लेंगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, बी कॉस सी बी कॉस ए सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी अपॉन में सी प्लस ए इंटू बी। अब बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी इज ए, बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी इज सी, प्रोजेक्शन लॉ यो सही हो चला गया, 1/20 का आंसर है बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मुझे पता है इंप्रूवमेंट हुई है, धीरे धीरे हो जाएगी, अभी 3 months हमारे पास हैं पूरे, ठीक है ना, मई चल रहा है, जून जुलाई पूरा पढ़ा है हमारे पास, पूरे 70-80 दिन है। बीच बीच में तुम्हें टास्क देता रहूँगा अगर ऐसे कि ये वाले 2 chapters कर लो मैंने डाल दिए, तो कर लोगे? कैन इट बी पॉसिबल? तो थोड़ी स्पीड अप हो जाएगा कोर्स हमारा, ठीक है ना। अभी मैं एक जूम मीटिंग दूंगा, मतलब गूगल मीट करूंगा, जिसमें मैं पूछूंगा बच्चों से कितने बच्चों ने वो 3 chapters कर लिए, ठीक है ना, ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं एक चैप्टर का और टास्क दे दूंगा, ठीक है ना। स्पीड अप करना है कोर्स, और धीरे धीरे हम प्रैक्टिस और टेस्ट लेते रहेंगे आपसे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, ए बी सी दे रखा है, ए दे रखा है बी, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू 4/5, आपको पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। अच्छा कुछ निकालने के लिए नहीं बोला, ऑप्शन पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन ठीक है। कॉस ए माइनस बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल नो है, नन ऑफ दीज, सी पाई बाय 4, ये सब पूछ रहा है। सर मेरे पास अग्नि बैच का बैच है, मैं उससे भी रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ। हाँ एक एक चीज बेटा उसमें भी बिखेर के रखी है, उसमें 190 लेसन पढ़ाए थे मैंने, 190 लेक्चर थे मेरे उसमें, समझ गए बात, क्लियर है।
यहाँ पे यार मैं सोच रहा हूँ कि ए और बी दे रखा है ना आपको, कॉज ए माइनस बी भी दे रखा है, ठीक है। तो नेपियर्स एनालॉगी की बात करूँ अगर मैं, टेन ए माइनस बी बाई टू क्या होती है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कॉट सी बाई टू। ए माइनस बी, छः माइनस तीन तीन, छः प्लस तीन तीन, बटे एक बटे तीन कॉस सी बाई टू। यहाँ से तो कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं, लेकिन इससे थोड़ी सी कनेक्टिविटी तो बैठ गई। यहाँ से टेन ए माइनस बी बाई टू निकालना मुश्किल नहीं है। कॉस टू थीटा का एक फॉर्मूला होता है ना, वन माइनस टेन स्क्वेयर थीटा ओवर वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा। तो अगर मैं कॉस ए माइनस बी को लिखूँ तो वन माइनस टेन स्क्वेयर ए माइनस बी बाई टू वन प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस बी बाई टू इक्वल टू 4/5। तो टेन ए माइनस बी बाई टू को एक्स मान ले थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो वन माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए वन प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4/5। तो 5 - 5 एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 4 + 4 एक्स स्क्वेयर। तो 1 = 9 एक्स स्क्वेयर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/3। एक्स कितना है, टेन ए माइनस बी बाई टू, तो 1/3। टेन ए माइनस बी बाई टू इज 1/3, 1/3 कॉट सी बाई टू। तो कॉट सी बाई टू की वैल्यू आ गई 1, तो सी बाई टू आ गया 45 डिग्री, तो सी आ गया 5/2। मतलब एक ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री वाला है, सी 1/2। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब एरिया की बात करूं अगर मैं, एरिया तो एरिया कितना आ गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए इंटू बी। हाफ ए कितना है, 6 * 3 = 18, कट गया कितना आ गया 9, ठीक है। ये ऑप्शन तो ठीक है ना, ये आ गया। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आ गई, 3609 45, √45 है ना। तो अगर मैं इसके अंदर साइन लो लगाऊँ, 6 / (sin A), 3 / (sin B) और सी √45 / sin C। साइन सी कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि साइन 91 है। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6 / √45, और √45 कितना है, 3/5, कितना आ गया 2/√5। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√5। तो ए कितना आ गया, साइन इनवर्स 2/√5। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, इसमें दो आंसर ठीक है भाई, इसके बी भी ठीक है। दिस इज मोर देन वन करेक्ट। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है ना, 1 - tan² θ 1 + tan², तो इसको कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाया, 1 - tan² a - b/2 1 - tan² a - b/2। अब टेन ए माइनस बी बाई टू को एक्स ले लिया थोड़ी देर के लिए, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1/3 आ गई, मैंने टेन ए माइनस बी बाई टू की वैल्यू आ गई, टेन ए माइनस बी बाई टू यहाँ डाल दिया, कॉट सी बाई टू आ गया, सी आ गया 5/2, मतलब ट्रायंगल राइट एंगल हो गया। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू ए बी। ए और बी पता है, 9 आ गया, साइन लो लगा दिया। अच्छा, हाइपोटनस भी निकाल दी, जब ए और बी पता है तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सी हाइपोटनस हो गई, √45। पी का बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर 3609 45, रूट लगा दिया। अब साइन लो लगा दिया, तो ए साइन ए भी आ गया। अच्छा, साइन बी भी आ जाएगा वैसे, अब चाहो तो बी भी निकाल सकते हो, वो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने नहीं निकाला। हमारे ऑप्शन में साइन इनवर्स 2/√5 दे रखा है, ये सही है यार, एकदम बढ़िया है।
किस किस को क्लियर है एक बार अच्छे से समझ लो यार। बी ऑप्शन कैसे आ गया यार, साइन लो लगा दिया ना, देख मेरे पास ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, साइन सी भी पता है मुझे, साइन 91, तो मैंने साइन ए साइन बी दोनों निकाल सकता हूँ। मैंने साइन बी निकाला नहीं, मैंने साइन ए निकाला, इसको इसके साथ कंपेयर कर, साइन ए आ गया 2/√5, ए आ गया साइन इनवर्स 2/√5, बी ऑप्शन भी ठीक है, ये दोनों ऑप्शन ठीक है इसके ना, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन था ये, लेकिन क्वेश्चन बढ़िया था भाई, क्वेश्चन लाजवाब था एकदम जबरदस्त। बोलो क्लियर और नॉट क्लियर? एक बार कर लेना दोबारा, रिकॉर्डिंग देख के पॉज करके आराम से देख लेना, एक एक चीज़ मैंने अच्छे से रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कहता है, मेजर सी नहीं आता, ये तो खुद कर लेना, अभी तो कुछ है नहीं इसमें, ये तो यार ए माइनस बी का जो मॉड लगा हुआ है ये तो वैसे ही नेपियर एनालॉजी को इंडिकेशन दे रहा है। जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को आप करके दिखा दो मुझे, जल्दी से करके दिखा दो, एक मिनट दे दिया पूरा। ए माइनस बी, ए दे रखा है, टू बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, सी निकालना है, इतनी सारे डाटा से देख के इंडिकेशन क्या होती है, नेपियर लॉजी की तो इंडिकेशन होती है, और किसकी होगी बताना। टेन ए माइनस बी बाई टू जो है डेट इज़ व्हाट, ए माइनस बी अपॉन में ए प्लस बी कॉट सी बाई टू, यही तो है ना, और क्या है, तो ए माइनस बी कितना है पाई बाई थ्री, ये हो गया ए माइनस बी बाई टू पाई बाई सिक्स, वन बाई रूट थ्री, ए माइनस बी ए कितना है टू बी माइनस बी, बी हो गया ये थ्री भी हो गया इंटू कॉट सी बाई टू, ये हो सही हो निकल लिया, तो कॉट सी बाई टू कितना हो गया थ्री बाई रूट थ्री, कितना होता है रूट थ्री, तो भाई सी बाई टू कितना हो गया 60 डिग्री, सी कितना आ गया 120 डिग्री, ये तो गड़बड़ होगी यार कुछ, एक जगह टू बी माइनस बी, टू बी प्लस बी वन बाई थ्री, ए माइनस बी बाई टू टेन पाई बाई थ्री वन बाई रूट पाई बाई सिक्स वन बाई रूट थ्री वन बाई थ्री थ्री बाई रूट थ्री रूट थ्री कॉट सी बाई टू, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया ना, ये सी बाई टू रूट थ्री होता है पाई बाय सिक्स पे ना, 30 डिग्री पे होता है, तो सी आ गया पाई बाय थ्री, ये मुझे ना 30 डिग्री लिखना चाहिए था, मैंने 60 डिग्री लिख दिया था, तो बी ऑप्शन चमक गया है, ये तो सबका हो गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था, टाइम पास क्वेश्चन था, है ना, टाइम सब ईजिली हो गया, कुछ नहीं था इसमें, सीधा फॉर्मूला लगा के आंसर लाना था, जल्दी से बता देंगे, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है क्या करूं हाय, बहुत कुछ होता है हे सेनोरिटा, समझ आए रे, कुछ नहीं था यार, ए माइनस बी ए टू बी सी क्या बता रहे हैं, नेपियर बता रहे हैं। अरे एक ट्राइंगल जो है डेल्टा स्टैंड फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन, बड़ा नोनो मोनो क्वेश्चन, बाबू क्वेश्चन, शोना। डेल्टा स्टैंड फॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ए स्क्वायर साइन टू बी, बी स्क्वायर साइन टू निकालना है, आराम से कीजिए।
सस्ते शाहरुख सस्ते नहीं, बहुत सस्ते देखो ऐसा अपने आपको कभी कम नहीं समझना चाहिए किसी से, ठीक है? ठीक है, शाहरुख खान की अपनी कैपेबिलिटी है और मेरी अपनी है, मैं जो कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता। अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दे दूँ ना एक शाहरुख खान को तो कर नहीं पाएगा वो ए स्क्वायर साइन टू बी, साइन टू बी को क्या लिख सकते हैं, टू साइन बी कॉस बी, साइन टू ए को क्या लिख सकते हैं, टू साइन ए कॉस ए, ठीक है? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अच्छा एक बात पूछूं आपसे, ए बाय साइन ए जो है वो के इक्वल अगर मैं ले लेता हूँ साइन लॉ में, तो ए क्या हो जाता है, के साइन ए, है ना? तो मैं सोच रहा था इस ए को लिख लूँ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, बी को लिख लूँ के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, है ना? तो यहां से टू के स्क्वायर साइन ए साइन बी कॉमन आ गया, क्या बच गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो टू के स्क्वायर साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, इस ए प्लस बी को ले सकते हैं, यहाँ पहुँच गया भाई क्वेश्चन, है उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर है ना? एक बार सुनील शेट्टी भी सर ये धरती मेरी माँ है, इधर देखो पहले तुम, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बेटा, ए स्क्वायर की जगह लिख दिया था के स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, फिर कॉमन शॉमन लेके यहाँ पहुँच गए। अब ए प्लस बी को क्या लिख सकता हूँ, वन एटी माइनस सी, तो साइन वन एटी माइनस सी इज साइन सी, यहाँ पहुँच गया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ना डेल्टा पे लेके आना है, ये बात है जो अच्छी बात है, तो मैं सोच रहा था इस के को दोबारा लिख दूँ यार मैं कुछ कुछ है, क्या बोलते हो, के को वापस लिख दूँ, एक को लेते हैं ए बाय साइन ए और एक के को लिख देते हैं बी बाय साइन बी, साथ में क्या है, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी कट गया, टू ए बी साइन सी, है ना? ये आ गया हमारा आंसर। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फोर इंटू वन बाई टू ए बी साइन सी, है एक ही बात नहीं है, और हाफ ए बी साइन सी कितना होता है, ये क्या है, ये ट्राइंगल का एरिया है, तो दिस इज फोर डेल्टा, दिस इज फोर डेल्टा, हाफ ए बी साइन सी। अगर तुमने फॉर्मूले याद कर रखे हैं तभी आएगा, होगा क्लियर, नहीं तो नहीं होगा, जिसने याद कर रखे हैं उसी को पल्ले पड़ेगा, हाफ ए बी साइन सी डेल्टा होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बोलो बोलो बोलो, शाबाश है, क्लियर मामला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है, आपको निकालना है, बहुत ही उमदा, मैं पिछला वाला नोट कर लिया ना, कुछ रहता तो नहीं है, एक बार देख लो, अगर रहता है तो कर लो बच्चे, कोई जल्दी नहीं है, अपन लोग अपने हो क्या, अपने को तो पानी निकालना भाई, ठीक है ना? हाँ मामला ओपी है, एक ही बच्चा बोल रहा है ओपी है, बाकी कहाँ है, चीकू चली गई आज, ठीक है मर्जी चीकू की, चल भाई ये लपेट दे जल्दी से,
देखो यहाँ पे कॉट बी बाई टू, आपको बताया कि टेन बी बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है, वो लगाना है, एस एस माइनस बी, एस माइनस ए, एस माइनस सी, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा रूट में, एस एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी। तो ये एस माइनस बी से एस माइनस बी कट गया, एस माइनस सी से एस माइनस सी कट गया, दो रूट में एस बाहर आके एस हो गया, ये हो गया एस माइनस ए। अब एस क्या होता है, एस होता है ए प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, और ये कितना होता है एस माइनस ए, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू माइनस ए। तो देखा जाए तो एलसीएम लेके कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में बी प्लस सी माइनस ए। अब मुझे बताइए b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, थ्री है, तो b प्लस सी की जगह थ्री ए डाल देते, थ्री ए प्लस ए फोर ए, और यहाँ डालेंगे थ्री ए माइनस ए टू ए, कट के कितना आ गया टू, बी ऑप्शन। ऐसा कुछ था नहीं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, जिसको फॉर्मूले याद है वो कर लेता, कॉट b बाई टू नहीं पता तो टेन b बाई टू तो पता है, उसको उल्टा करना था। अब तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं है तो भाई मेरा मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तो तुम्हें ही करने है ना, मैं थोड़ा आगे करूँगा तुम्हारे फॉर्मूले याद यार, कैसी कैसी बातें करते हो यार, जो काम मेरा नहीं है मैं कैसे कर लूँगा, जो कुमार कुमार है तुम ही करोगे ना यार, जो मेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो तेरा है, ठीक है ना, ना तो मैं तेरा कुछ ले सकता ना तू मेरा कुछ ले सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अपना काम करना है, मुझे अपना काम करना है, मेरा काम है कंटेंट देना, तुम्हें याद करना खुद ही पड़ेगा, मेरा से मेरा कोई रोल नहीं है उसमें यार। तुम सोच रहे हो कि मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास और तुम्हारे दिमाग में घुस जाऊँगा, ऐसा तो ना होता भाई, यूँ ना चले भाई, ठीक है। चल भाई कर दे एक और, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, सर्कम रेडियस निकालना है, ठीक है ना। आपको एक ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं तीन चार पांच, इसको देख के क्या लगता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड्स तीन चार पांच दे रखी है, इसका मतलब इसको देख के क्या लगता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई आपसे पूछे ना कि सर्कम रेडियस क्या होता है, तो आई मस्ट टेल यू हाइपोटेन्यूज का आधा, हाइपोटेन्यूज है पांच, तो पांच बटे दो ढाई यूनिट। ढाई यूनिट याद रख लीजिए इस बात को कि इन राइट एंगल ट्रायंगल आर इज एच बाई टू, लिख लीजिए ना साइड में, नई चीज़ सीखने को मिल रही है तो लिखना होता है बेटा, है ना, कुछ नया सीखने को मिलता है तो चाचा लिखना होता है, ओके। बाकी आपको पता है आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू ए बी सी बाई फोर डेल्टा। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तो पहले डेल्टा निकालते, और डेल्टा कैसे निकालते, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से साइड से रखिए, एस निकाल के यहाँ पुट करके डेल्टा आ जाता, यहाँ पुट करते ए बी सी तो पता ही थे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता, ये अगर पाइथागोरस का ट्रिपलेट नहीं होता, तो भाई ये फॉर्मूला लगा के करते ना यार, ए बी सी यहाँ डालते, फोर यहाँ डालते, डेल्टा जो है आपको इससे निकालना पड़ता, वो तो तुम निकाल लोगे, जैसे इसको भी मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, पाँच चार नौ तीन बारह, बारह बटे दो छः आ गया एस, छः छः माइनस तीन छः माइनस चार छः माइनस पाँच, ऊपर आ जाएगा तीन चार पाँच, फोर से मल्टीप्लाई नीचे सॉल्व करके तब भी ढाई आएगा, ठीक है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र। ओए 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 थैंक यू बोल गया भाई, ये तो थैंक यू बोल गया है, मुझे तो पता ही नहीं चला वक्त का कहाँ चला गया, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं देना चाहता हूँ, अभी थैंक यू नहीं हुआ है, जल्दी से बेटा एक क्वेश्चन करके दिखाओ, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इक्वल टू पाँच, B इक्वल टू छ एंड C इक्वल टू सात सेंटीमीटर, फाइंड R माइनस R, R माइनस R, दिया टाइम, आराम से कर, कोई दिक्कत नहीं है, दिया टाइम, वक्त दिया, वक्त को वक्त देना सीखो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, है ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, है ना,
अभी राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो आपको आर निकालना पड़ेगा, उसके लिए एस निकाल लेते हैं। आर माइनस आर है, आर होता है ए बी सी बाय फोर डेल्टा, और आर होता है डेल्टा बाय एस। तो आपको पहले एस निकालना है, एस आएगा 5, 6, 11, 7, 18/2, 9, और फिर डेल्टा निकालना है। 9, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 6 3, 9 माइनस 7 2, ठीक है ना। तो यहाँ से एक तो 9 बाहर आ गया 3, एक ये 4 बाहर आ गया 2, रूट 6, तो 6√6 आ गया। कितना आ गया? 6√6। ए बी सी कितना हो गया? 5, 6 का 30, 7 210 अपॉन में 4, 24√6 माइनस डेल्टा, डेल्टा कितना? 6√6 अपॉन में 9, है ना। तो यहाँ पे कुछ कट्टा पिट्टी हो गई, 3 से जा रहा है, 3 70 हो गया, 3 8 हो गया, है ना, ये कट गया। और यहाँ से बच्चे ये 35 अपॉन में 4√6 माइनस 3√6 बाय 2√6 बाय 3, कितना आ गया? 12√6। कितना आ गया? 35 दिया 105 माइनस 3, 4 2 8, 8 6 48, 105 में से 48 गए, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 4 गए 5, 57। तो ये आ गया 57 अपॉन में 12√6, 57 इस 12 को काटेगा, 3 से जा रहा है, 3 3 3 9 का 3 चौका, 19/4√6 इज आंसर, ठीक है ना। एक दो बना दो सर, एक दो नहीं बेटा, एक ही बनाया है मैंने तो। 12वां क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ट्रायंगल हाई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो इन दैट केस आर ऐसे निकलता है और आर ऐसे निकलता है, ये ऐसे निकलता है और निकालते निकालते निकल जाता है। कुछ नहीं रखा जीवन में, सिर्फ मेहनत करनी है, सफलता प्राप्त करनी है और सर्विस देनी है लोगों को, बस यही जीवन है, समझ रहे हो। छोटे छोटे बनाते रहने, हाँ क्वेश्चंस, यही जीवन है। हाँ समझ रहे हो, ये मुझे लग रहा है कि कैलकुलेशन ठीक ही करी है मैंने, ठीक ठाक कर लिया कैलकुलेशन, इतनी कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं थी जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने ठीक करी है। बाकी एक बार चेक कर लीजिएगा आप, अगर कुछ प्लस माइनस की गलती होगी तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप थैंक यू बोले तो अच्छा लगेगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, कुछ कराए लास्ट में ना। आर और स्मॉल आर वाले क्वेश्चन तो रह गए थे, देखो क्वेश्चन को अंतर नहीं होता, क्वेश्चन तो मैं इतने बना दूंगा यहाँ पे तुम सोच नहीं सकते, लेकिन यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यू जस्ट नीड टू पॉलिश इट बाय मेकिंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन इट, ठीक है ना। यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू हैव फिनिश्ड एंड यू जस्ट नीड टू पॉलिश इट, PYQs, कुछ और अच्छे क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर ली, आपको समझ आ जाएगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल खत्म हो गया। अब मैं कराता रहूँ तो खत्म ही ना होता भाई, ठीक है ना। आपको जो देना है एनडी के हिसाब से मैं दे चुका हूँ, ठीक है भाई। नमस्कार, इतना ही रखते हैं आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हाइट एंड डिस्टेंस के साथ, और परसों रखेंगे एक सेशन 40 इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्री के साथ, हाइट इनइक्वालिटी लॉग, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के 40 मिक्स क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊंगा यूट्यूब पे, और उसको बाद में अपलोड कर देंगे कंटेंट सेक्शन में भी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब बच्चे आएंगे और उन 40 क्वेश्चन को फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।